Hey friends, Assalamualaikum. Welcome back once again to Rabia's Kitchen. Friends, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन मलाई सैंडविच की रेसिपी जो है रमजान स्पेशल. इतनी झटपट और आसानी से बनने वाली ये रेसिपी है. सो चले अपने किचन में ये पूरी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ. सो लेट्स गो. चिकन मलाई सैंडविच बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बोल. मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, इसे अच्छे से थोड़ा अदरक लहसुन और थोड़ा नमक डाल के बॉईल करके श्रेड किया है. इसमें ऐड करेंगे हम कुछ वेजीज. मैं यहाँ पर कैबेज ले रही हूँ, इट अराउंड हाफ अ कप मैंने डाला है उसके अंदर. बारीक चॉप किया हुआ कैरेट, यू कैन इवन ग्रेट दिस, एंड शिमला मिर्ची. आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस से और भी वेजीज ऐड कर सकते हैं. इसको थोड़ा सा अभी मिक्स करेंगे. इसमें डालेंगे टेस्ट करने के लिए चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड ओरिगैनो, या आप मिक्स हर्ब्स भी ले सकते हैं. इसे थोड़ा मिक्स करके अब हम इसमें ऐड करेंगे मलाई, फ्रेश क्रीम. ये बहुत झटपट बनने वाला सैंडविच है. फ्रेंड्स, अब रमजान भी आ रहे हैं, इस तरह से सैंडविच बहुत झटपट बन जाता है, कम वक्त लगता है इसमें और बहुत टेस्टी भी रहता है ये. और बच्चों को तो स्पेशली ये बहुत पसंद आता है. आप ये मैरिनेशन जो सैंडविच का है, इसे आप थोड़े दिन रख के, मींस आप फ्रीज भी कर सकते हो. इट्स अ मेक एंड फ्रीज सैंडविच स्प्रेड. दैट्स इट. ये तैयार हो गया हमारा चिकन मलाई सैंडविच का स्प्रेड. अभी हम इसे सैंडविचेस बनाते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर सैंडविच के ब्रेड ले लिए हैं स्लाइसेस. मैं इसकी किनारी काट लूंगी बिकॉज बच्चों को बिना किनारी वाला सैंडविच ही बहुत अच्छा लगता है. सो ये चारों तरफ से अब मैं बस ये कड़क जो है हिस्सा ये हमने काट दिया है. अब इसे में हम फिल करना है. अच्छा हैंडफुल लेके फिल अप कर देंगे. That's it. इसे कट कर देंगे. बहुत झटपट बनने वाला इजी टू गो सैंडविच, जैसे मैंने कहा. आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी भी लगेगा उतना ही ये खाने में. सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी. आई होप आप लोगों को ये बहुत पसंद आई हो. अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. And do follow me on Instagram at Rabia's Kitchen 10. Inshallah, फिर मिलेंगे इसी तरह से मजेदार रेसिपी के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.